Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important question bank from the inheritance and variation chapter. As we all know, we already have seen the chapter wise distribution of marks, and this chapter has basically weightage of 4 marks without option and 6 marks with option. So now in this chapter basically पुराने सिलेबस में क्या क्या हुआ करता था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीजें एडअप की है वो पहले समझ लेते हैं, एंड देन वील मेक अ स्ट्रेटेजी हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर 4 मार्क्स ओनली. 4 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिलना कंपलसरी है, बिकॉज सी बहुत इजी हो गया है अभी सिलेबस. सो फर्स्ट वील फाइंड आउट जेनेटिक्स में क्या एड ऑन किया गया है और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या एड किया है. तो आप बोल रहे हो मैडम हम तो यहाँ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ने वाले हैं, फिर आपने ये 2 चैप्टर का नाम क्यों लिखा है. तो देखिए पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए जेनेटिक्स अलग सा चैप्टर हुआ करता था, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अलग सा चैप्टर हुआ करता था, बट यहाँ नए सिलेबस में उन्होंने दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया है. और दोनों चैप्टर को कंबाइन करने के बाद उन्होंने उसको हेडिंग दिया है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो ये दोनों चैप्टर कंबाइन होके हमको मिलता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. अभी ये 2 चैप्टर क्लब करने के बाद भी देखिए वेटेज बस 4 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन 4 का है, विद ऑप्शन 6 का है. मतलब ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चैप्टर के साथ डील करना. अगर हम जेनेटिक्स की बात करें पुराने सिलेबस का और इस सिलेबस के बारे में बात करें, उसको कंपेयर करें, तो जेनेटिक्स में एज सच कुछ ऐड नहीं किया गया है, रादर देन उसका एक पार्ट डिलीट किया गया है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिलीट किया गया है, नए सिलेबस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है. सो नाउ यू डोंट हैव टू मेक अ क्रॉस लाइक वो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बनाते थे बच्चे, वो नहीं करना पड़ेगा. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिलीट कर दिया है, बट इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंटरेक्शन के 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हैं. वो पहले भी थे लेकिन पहले इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था, अभी उसको थोड़ा सा सॉर्ट करके आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है बुक में. सो जेनेटिक्स से ये पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है, बट आई वुड से थोड़ा सा डिटेल में दिया है, पहले भी था अभी भी है. फिर अगर हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, जो पुराने सिलेबस में अलग सा चैप्टर था, बट दिस ईयर दे हैव मर्ज्ड दिस 2 चैप्टर्स. सो उसमें वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर का चार्ट दिया हुआ है. मतलब चार्ट पढ़ने से ही आपका वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है. दूसरा है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स डायग्राम्स के साथ वहां एक्सप्लेन करे गए हैं, जैसे विडोज पीक, स्ट्रेट हेयर का जो कंडीशन होता है वो सारी चीजें वहां एक्सप्लेन करी है. बाकी पूरा चीज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एज इट इज दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़े से चेंजेस हैं जो आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है. नाउ वील फाइंड आउट कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं या क्वेश्चन आने के चांसेस है. So we'll discuss the question bank now. These are some important questions from inheritance and variations, and you all have to focus more on these questions. एक बार पूरा चैप्टर लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एंड फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं इनको ज्यादा सिंसियरली रीड करिए और प्रिपेयर करिए. चैप्टर को प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं है, बट देन आपको थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा. व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है. जैसे आप देख सकते हो 2015 में था, फिर एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है. सो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था ये आपको समझना है. फिर उसके बाद ये चैप्टर डिवाइड किया है मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में. तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको क्या क्या करना है देखिए. मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप क्या करोगे, लॉज ऑफ मेंडेल करोगे, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस करोगे, राइट. तो लॉज करेंगे तो देयर आर 3 लॉज, राइट, 3 लॉज है जिसपे 2 पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हो मेंडेलियन जेनेटिक्स में लॉज में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस पे एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, मतलब आपको एक कंडीशन दिया जाता है वहां से आपको उस कंक्लूजन तक पहुंचना होता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2018 में पूछा था 7 मार्क्स के लिए. लॉ ऑफ डोमिनेंस 2019 में पूछा जा चुका है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बहुत अच्छे से करके रखिए विद देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. फिर जब नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात आती है तो 2 ही कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा हाईलाइट करके करने हैं, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो आप यहाँ देख सकते हो इनकम्प्लीट पे 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. इसके रेशियोज अच्छे से करके रखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रेशियोज.
अगेन क्वेश्चन के नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस करोगे तो उसका रेशियो वहां इधर ही इटसेल्फ ओनली यहाँ ही रेशियो प्रिपेयर हो रहा है, तो ये एक पॉइंट जो है कम हो जाएगा। लिखे काफी टर्म्स है लेकिन उसको जैसे अगर आप क्लब करके एक दूसरे के साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर और भी कम होगा। जैसे यहाँ देखिए नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के रेशियोज के साथ करना है बिकॉज रेशियोज में क्वेश्चन आते हैं। एंड इस चैप्टर में दो से तीन चीजों का ध्यान रखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको रिटर्न आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए पेपर में। उसके साथ साथ रेशियोज बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। सो रेशियोज देखिए यहाँ, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे टेस्ट क्रॉस्ड, अगेन रेशियोज यहाँ कंसिडर किया जाएगा, उसका भी रेशियो है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ क्रॉसेस लिखा हुआ है, क्रॉसेस के भी रेशियोज है, राइट। सो जब आप पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो उसके साथ साथ जो भी उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके रेशियोज है वो अपने आप आपसे प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन है 2 मार्क्स का 17 में। फिर जेनेटिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है आपके बुक में, उसमें से रेसेसिव पे 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो वो जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है वो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या फिर आपको एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस है। और एक बार जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिए, वो अगर पढ़ लिया आपने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी तो आपको क्रॉसेस में क्या क्या टर्म दी है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके साथ साथ टेस्ट क्रॉस नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या टर्म्स है, इनकम्प्लीट में कौन से रेशियोज है, फिनोटिपिक जेनोटिपिक, ये वही प्रिपेयर हो रहे हैं। सो एक पूरा इनकम्प्लीट पढ़ने के साथ साथ आपके यहाँ नीचे के कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, वैसे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें रेसेसिव एंड मस्कुलेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, देयर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसमें से 2 या 3 पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ ये क्वेश्चन था 2020 में क्वेश्चन था फॉर 2 मार्क्स, राइट एनी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मंडे। अगर सी वो आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ रहे हो तो अपने आप आपके क्रॉसेस में हेल्प हो रही है, तो ये क्वेश्चन क्लब करके पढ़ सकते हो क्रॉसेस। फिर उसके बाद आप देख सकते हो टेस्ट क्रॉस भी प्रिपेयर हो रहा है यहाँ से। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ने के साथ साथ आपकी ये चीजें भी कवर करी जा रही है। फिर उसके बाद रेशियोज हमने पढ़ लिया, सबके रेशियोज पढ़ना कंपल्सरी है फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर उसके बाद देखिए डिफाइन लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, तो लिंकेज का क्वेश्चन 2016 में था। देन आप उसको उसके बाद पढ़ सकते हो एक्स लिंक एंड वाई लिंक जो क्रोमोसोम के डिसीज है, जैसे सेक्स लिंक डिसीजेस है, वो आपको बस आपको लिस्ट याद रखनी है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन लिस्ट एंड देयर यू कैन से जीनोटाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें ह्यूमन दिया है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है हमने, तो ह्यूमन हनी बी एंड बर्ड्स का है, तो बर्ड्स पे क्वेश्चन है 2016 में 3 मार्क्स का। सी आपको क्या करना है ये आपको पता है लेकिन लिखना कैसे है वो एक बार बुक में से देख लीजिए। ये चैप्टर में रिटन प्रेजेंटेशन के लिए पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से लिखना है आपको, पूरा क्लीन एंड नीट प्रेजेंटेशन लिखना है, जो भी प्रेजेंटेशन एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया वो तो। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसीजेस डिसऑर्डर्स दिए हैं, इसमें आपको कुछ सिंड्रोम्स दिए हुए हैं, तो सिंड्रोम्स जो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सिंड्रोम्स डाउन सिंड्रोम पे 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आपको सिंड्रोम पता होने चाहिए, उनके साथ साथ उसमें क्या डिफॉर्मिटीज होती है या कैसे सिम्टम्स वो इंडिविजुअल में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज जैसे अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ोगे तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ने से ही आपको ये लिंकेज कंप्लीट एंड कंप्लीट लिंकेज पता चल जाएगा। सो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का डिफरेंसिएशन पूछा जा चुका है, स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो सेंट्रोमियर आपको एक टर्म वहां दिखेगा, वो सेंट्रोमियर का पोजीशन तुरंत आपको पढ़ लेना है। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन पे बेस्ड क्रोमोसोम कैसे कैसे होते हैं वो क्वेश्चन रिसेंटली पूछा है 16 एंड 19 में, तो काफी इजी है, मतलब आप बिल्कुल 5 मिनट में वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे जा सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम समझना है। तो जब आप ये समझ लोगे तो आपको एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको डिस्टिंग्विश करने हैं, तो डिस्टिंग्विश 2017 में पूछा है। सी बहुत छोटी छोटी टर्म है जो ये चैप्टर को कंप्लीट लर्न करने में हेल्प करेगी, और इतने सारे क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इस चैप्टर में डायग्राम्स एज सच नहीं है,
डायग्राम नहीं है बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ने हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से लिखने हैं, तभी इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट? ओके, नाउ अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, बिकॉज अभी मैं आपको एक और दो क्वेश्चन कैसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं वो समझा देती हूँ, सो दैट आप जब लर्न करोगे कॉन्सेप्ट तो आपको कैसे उसको अप्रोच रखना है रीडिंग का वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने जो क्रॉसेस पढ़े हैं या लॉस पढ़े हैं वो लॉस के कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, लेकिन आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने होते हैं। जैसे व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल मैरिज अ नॉर्मल मेल, एक्सप्लेन, 2015 में था। इसका एक चार्ट है, आपको बस मैं जैसे पहले बोला था जीनोटाइप याद होना चाहिए, आप ये चार्ट बहुत मतलब दो मिनट का काम नहीं है, ये बना सकते हो आप। टू इज बेस्ड ऑन बेसिकली ये एक डायहाइब्रिड रेशो होता है उस पे बेस्ड है, आपको जीनोटिपिक रेशो दिया है उसका फिनोटिपिक रेशो फाइंड आउट करना है, 9:3:3:1 अगर आपको याद आ रहा होगा तो बस उतना लिखने का एक मार्क मिलेगा। Which phenomena gives 2:1 ratio instead of 3:1? Describe the graphical representation. देखो graphical representation था 19 में 5 marks के लिए, तो आपने कितना अच्छे से उसको लिखना expected है for 5 marks, मतलब 2019 की year में। अभी यहाँ देखो ये recent question है 20 का 3 marks के लिए, एक condition दिया है, Satish is a color blind boy. Satish is a color blind boy. His mother has a normal vision, but his maternal grandfather is a color blind. His father and maternal grandmother have normal vision. Explain the pattern of inheritance with suitable chart. आपको maternal and paternal मतलब mom के side के या dad के side के होते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा इसका meaning. फिर उसके बाद आप ये question के साथ deal कर सकते हो, easy question है. Suitable chart के help से आपको उसका pattern of inheritance लिखना था, very easy for 3 marks. See, अभी आपको theoretical writing जो पहले हुआ करती थी उतनी नहीं लिखनी है for 3-4 marks. आपको बस एक बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन, वो जो एक्सप्लेन मतलब आई मीन टू से दैट कि चार्ट अच्छे से लिखना है, एंड दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सो आप देख सकते हो यहाँ कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसके लिए कुछ अलग प्रिपेयर नहीं करना है, मैंने जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैंक शेयर किया है वही करिए, लेकिन वो करते करते भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो? So, इसका मतलब ये है कि बाय डूइंग दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये ग्राफिकल चार्ट प्रिपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो आपको बना दूंगी जहां आपको कैसे याद रखना है वो मैं समझा दूंगी। सो यस, आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट पे बोर्ड प्रिपरेशन में डाउट आता है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।